नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन 360 हिंदी जीके फॉर ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप जल्दी सफल हो गए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने को निषिद्ध करता है या रोकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1999। प्रश्न नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति को उसकी अवधि पूरी होने से पहले हटाने हेतु महाभियोग लगाने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदन। प्रश्न नंबर 4, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। प्रश्न नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार यह बताता है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, समानता का अधिकार। प्रश्न नंबर 8, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 9, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संघ और राज्य सरकार दोनों। प्रश्न नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, B.R. अंबेडकर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। प्रश्न नंबर 13, सशस्त्र बलों का प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय द्वारा। प्रश्न नंबर 14, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वह केंद्र सरकार का मंत्री होता है लेकिन कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। प्रश्न नंबर 16, वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, निम्न में से कौन सा कथन उसके लिए सही है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, वह व्यक्ति राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसको मंत्रियों की राज्य परिषद का प्रमुख माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 11। प्रश्न नंबर 19, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 20, राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की इच्छा तक। प्रश्न नंबर 21, एक परंपरा के रूप में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे सलाह करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य का मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 22, यदि राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले अपने कार्यकाल को छोड़ना चाहता है, तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 23, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादाभाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। प्रश्न नंबर 25, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य के लिए एक व्यक्ति के पास कितने समय तक उच्च न्यायालय में अभ्यास प्राप्त होना अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 26, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 62 वर्ष। प्रश्न नंबर 27, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कोई सीमा नहीं। प्रश्न नंबर 28, PIL का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनहित याचिका। प्रश्न नंबर 29, जनहित याचिका की अवधारणा जो हाल के वर्षों में भारत में काफी लोकप्रिय हो गई है, इसका जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 30, भारत के प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। इस भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य संघ। प्रश्न नंबर 32, भारत राज्यों का एक संघ है जिसका अर्थ है ऑप्शन ए, यह अधिक केंद्रीकृत है। प्रश्न नंबर 33, केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आयकर। प्रश्न नंबर 34, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसके द्वारा बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। प्रश्न नंबर 35, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवी मावलेंकर। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 37, नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा डैश होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अनुपातिक रूप से मनोनीत या ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। प्रश्न नंबर 38, किस वर्ष भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी CPIM की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1964। प्रश्न नंबर 39, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य है। प्रश्न नंबर 41, शून्यकाल क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले संसद में उठाए जाते हैं, जब संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है तो ऑप्शन बी होगा।